खबर जनपद चमोली से है, जहां दूसरे चरण के चार धाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी है। इसी को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बरसात के बाद दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है। श्राद्ध पक्ष में हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्म कपाल नामक तीर्थ स्थल में इस वक्त हजारों की तादाद में तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान एवं तर्पण करने के लिए हर दिन देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के ब्रह्म कपाल नामक तीर्थ स्थल में पितरों का पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसको लेकर तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान एवं तर्पण करने के लिए यहाँ पर हर साल पहुँचते हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। विगत तीन चार दिनों से वाहनों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या बढ़ी है, और मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था एनएच का दो दिन पहले, और अभी बीती रात हमने चटवा पीपल में एजेंसी को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की विंडो दी थी, जिसमें ट्रैफिक को पूर्णतया रोक दिया गया था, और कल रात में वहाँ एजेंसी ने अच्छा काम किया है, जिससे समतलीकरण हो पाया है हाईवे का, और अभी जो ट्रैफिक है वो स्मूथली मूव हो रहा है। उसके अतिरिक्त हमने जो यदि बरसात आती है मार्ग अवरुद्ध होता है, उस स्थिति में गौचर पीपल कोटी चमोली में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था रखी।